हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को रमन रीति, रमन रीति से फिर ब्रह्मघाट, ब्रह्मघाट से फिर आपको गोकुल लेके आऊँगी मैं। क्योंकि ना मैं दिखाती हूँ आज आपको कितना पानी है और कितना कुछ बर्बाद हो गया, कितना कुछ बर्बाद कर दिया इस पानी ने। खेत बर्बाद हो गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए, सब कुछ मतलब। और अभी भी बहाव काफ़ी तेज़ है, आप देख रहे हो। ये सीढ़ी देखो यमुना जी की, और अभी भी ये यमुना जी ना जो खतरे का जो कुआं था यहाँ बना हुआ, वो अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, उससे ऊपर ही है अभी भी। और देखिए कितना तेज़ बहाव आ रहा है। और ये सारे गेट जो है ना, सारे ये पुल के खोल दिए गए हैं, जिससे कि ये पानी सारा आगे की तरफ निकल जाए। और ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले ये जो पानी था यमुना जी का, ये बहुत मतलब कम था, ये सीढ़ी से कम था, देखते ही देखते ये फिर से बढ़ने लगा हमारे। तो हम लोग फिर इधर से निकल लिए कि पता नहीं फिर आगे और ना आ जाए। और ये देखिए इसके और पास के एरिए जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उधर की साइड में सब जगह पानी भरा हुआ है, कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, ये सारी कॉलोनियों में पानी ही पानी है। सिर्फ लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जो भी खेत थे लोगों के यमुना जी के किनारे, वो सारी फसल सब खराब हो चुकी है पूरी तरीके से। और देखिए ये भी है सारा, ये सब कुछ डूब चुका है। और जो पेड़ हैं, पेड़ थे ना, वो सारे इधर किनारे की साइड बह बह के आ। और ये जो सामने की साइड आप देख रहे हो ना पूरी कॉलोनी, ये उधर की साइड है, यानी कि उस पार है, हम इस पार हैं, तो उस पार पे भी पूरा कॉलोनी में पानी भर चुका है पूरी तरीके से। सारी जगह ऐसा नहीं बचा कोई भी जो कि पानी ना भरा हो। और हम आ चुके हैं रमन रीति। तो रमन रीति में ये नई पेंटिंग्स बनी है कान्हा जी की, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सूट कर लूं। और रमन रीति में भी दो दिन पहले यहाँ तक पानी था, जहाँ तक ये स्टैचू आप देख रहे हो, मूर्तियाँ, ये जो पेंटिंग बनाई हुई है, यहाँ तक पानी था। तो अभी यहाँ से पानी कम हो चुका है काफ़ी हद तक, रमन रीति में उतना पानी अब नहीं है, है बैक साइड में है, लेकिन वो बंद कर दिया है एरिया, क्योंकि यहाँ तक पानी आने का मतलब बहुत पानी था इस जगह। और जो भी लोग आ रहे थे तो बोट के ज़रिए ही सब लोग इधर आ रहे थे। तो ये स्टैचू है, यहाँ तक पानी पूरा बताया जा रहा है ये आ चुका था। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं कृष्ण जी, सारी पेंटिंग्स बहुत सुंदर बनाई गई हैं रमन रीति के अंदर, ये बहुत प्यारी लग रही है। ये वॉल के ऊपर सहारे सहारे पूरे साइड में, बॉर्डर साइड में पूरा बनाया गया है। और हम चलते हैं आपको ब्रह्मघाट लेकर के, जो कि वहाँ सब कुछ बेकार हो चुका है। देखिए ये जो घाट है पूरा बर्बाद हो चुका है, और इस घाट की जो ये जो पत्थर डले हुए हैं सारे बुरी तरीके से टूट चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। और इनके नीचे जो भी मिट्टी थी जिसके ऊपर ये टिके थे, वो भी बह चुकी है, इसलिए इस पे जाना रोक लगा रखी है। यहाँ पर कोई नहीं जा रहा है, इन लोगों ने पूरी तरीके से सेफ्टी कर रखी है सभी लोगों की, जो भी कोई आएगा। और आप खुद देख सकते हो कितना तेज़ बहाव है, और इस बहाव की वजह से ये पूरा नीचे का जो इसका मिट्टी है वो पूरा जा चुका है। मिट्टी क्या, रेती है, तो रेती तो आप जानते हो कि। और देखो किस तरीके से ये भंवर पड़ रहा है यमुना जी के अंदर, तो काफ़ी तेज बहाव था इधर। और लोग फिर भी नहीं मान रहे थे, यात्री लोग जो आ रहे थे, इन लोगों ने बल्लियाँ वगैरह लगा रखी थी, उधर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने मना कर रखी है कि नहीं जा सकते, क्योंकि पानी पूरा काफ़ी ऊपर तक यहाँ भी था, जिससे कि अभी कम हो चुका है। और देखिए आगे की साइड में लोग नहा रहे हैं, काफ़ी लोगों ने रोक भी कर रखी है उधर की साइड, तो वहीं से पानी लेके यमुना जी का, और इधर ये लोग नहा रहे हैं। तो उधर की साइड जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे वाली मिट्टी बता रहे हैं खाली हो चुकी है, तो इसलिए रोक लगा रखी है हर जगह पे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, बहाव भी बहुत ज़्यादा है। तो आप देख ही रहे हो सारा कुछ बर्बाद हो चुका है, ब्रह्मघाट पे कुछ भी नहीं बचा है, जो कि इसके जो पुल बने हुए थे वो सारा बह के जा चुका है, कुछ भी नहीं है। ये यहाँ तक जो पानी है ना, ये जो रेलिंग जा रही है, ये काफ़ी नीचे तक रेलिंग है, जिससे कि पूरी तरीके से ना डूब चुकी है पानी के अंदर। ये देखो ये जो रेलिंग स्टील की आपको नज़र आ रही है, पूरा तरीके से डूब चुकी है। और हम इधर से निकल लिए रमन रीति की रोडों पे, तो देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी पूरा आ चुका था, अभी ये पानी का स्तर थोड़ा कम हो गया है। ये पूरा जितना भी दिखाई दे रहा है ये रोड के जस्ट बगल से ही है, रोड पे भी पानी था यहाँ पर,
और देखो ये गहराई आप पानी की कितनी है, जिससे कि सामने जो ये पेड़ है पूरा डूबा हुआ है पानी के अंदर, और बहुत पानी है इस एरिया में बहुत ज़्यादा। और देखिए लोगों के घर सारे डूब चुके हैं, तो ये लोग छप्पर डाल डाल के साइड में अपने खेतों के साइड में रह रहे हैं। खेत पूरा देखो बुरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, ख़राब हो गई सारी फसलें, कुछ भी नहीं बचा है इनमें। जो भी इन लोगों ने सब्जी वगैरह जो भी की थी सब बेकार हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा है इनमें। और घरों में पानी बहुत बुरी तरीके से भर चुका है, बहुत से घर तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए। देखो ये घर है तो ये पूरा पानी के अंदर ही है, और ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं इसके पीछे मतलब गांव है वो भी पूरा भरा हुआ है, पूरा मतलब लवालव हो रखा है पूरा, कहीं से भी निकलने की जाने की आने की कोई भी जगह नहीं है इस गाँव के लिए। और यहाँ के जो लोग हैं वो रोडों पर रह रहे हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लोग रोडों पर रह के अपनी गाड़ियों में सामान रख के रोड पे अपना टेंट बल्ली लगा करके वो सब लोग रोडों पर रह रहे हैं। देखो यहाँ कितना पानी है, कितना सारा है, और घर भी पूरी तरीके से डूब चुके हैं, खेत भी पूरा बर्बाद हो चुके हैं। और ये बिल्कुल रोड के बस जस्ट बगल से ही है, रोड पे ही पानी मतलब थोड़ा ऊंचा है तो नहीं है, बाकी का पूरे एरिया में दोनों साइड पानी ही पानी है। बीच से हम बाइक निकाल करके लेकर के आए हैं, बस रोड पर ही पानी नहीं है। देखिए ये पूरा छप्पर जा चुका है, पूरी तरीके से डूब चुका है, और जो उधर घर आपको दिखाई दे रहा था जिसकी छत दिख रही थी वो भी पूरा पानी के अंदर ही है। और देखिए ये लोग किस तरीके से रह रहे हैं, और ये देखिए इधर का एरिया, ये पूरा जो भी घर था लोगों का, यहाँ जो भी लोग रहते थे पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये मंदिर था यहाँ, जो कि यहाँ पे बहुत सारी सामान बह के आया, और जो यहाँ रह रहे थे उनका सामान है पूरा बुरी तरीके से तहस नहस हो गया। ये गोकुल का है सीन जो कि पूरा बर्बाद हो चुका है। यमुना माँ ने अपना कहर ढहा दिया है बुरी तरीके से। देखो वो सांप था जो कि पानी के अंदर था, गया था, मुझे वो दिखाई नहीं दिया बिल्कुल भी, मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया देखो तो मैं दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं आपका ध्यान कहाँ है, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान वीडियो शूट करने पर ही था। और देखिए ये मंदिर है गोकुल का, जैसे कि पूरा डूब चुका है और पूरा पानी भर रहा है इसके अंदर। देखो ये यमुना जी पूरा मतलब पूरे गांव के अंदर ये गोकुल के अंदर घुस चुकी है पूरी तरीके से, और देखो ये ढकेल अकेल पता नहीं क्या क्या बह के पूरा आ चुका है। और ये लोगों के घर थे यहाँ पर जो कि अभी पूरा बेकार हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। और देखिए ये मंदिर काफ़ी डूब चुका है और पानी भरा हुआ है पूरे। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, बेल आइकन ज़रूर ऑन करना, तो जो न्यू है मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।